एमपी में मंत्रिमंडल विस्तार आज। राजभवन में दोपहर 3:30 बजे शपथ। कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट, राकेश सिंह समेत कई दिग्गजों के शामिल होने की संभावना। दिल्ली के सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, क्रिसमस प्रेयर में हुए शामिल। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने पूर्व पीएम को दी श्रद्धांजलि। WFI की नई टीम के सस्पेंशन पर बोले ब्रजभूषण सिंह, संजय सिंह से कह दिया है वो अपना काम करें, हम अपना करेंगे। कल्याण बनर्जी ने फिर उतारी उपराष्ट्रपति धनखड़ की नकल, बंगाल में बोले मिमिक्री मेरा मौलिक अधिकार, मैं 1000 बार ये करूंगा। जम्मू कश्मीर में सियासत गर्म, PDP का दावा, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती नजरबंद, पूछ के दौरे से पहले हाउस अरेस्ट किया। इंडिया में बसपा के शामिल होने पर उठे सवाल, मायावती के इंडिया अलायंस में आने पर बोले जयंत चौधरी, BSP से कोई बातचीत नहीं। पंजाब सरकार का बड़ा एक्शन, पुलिस ने यूपी और गुजरात से चल रहे अंतर्राज्यीय फार्मा ड्रग कार्टेल का किया भंडाफोड़। राजौरी आतंकी हमले में शहीद जवानों के पार्थिव शरीर देहरादून पहुंचे, सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। दिल्ली समेत 6 राज्यों में 0 विजिबिलिटी, कई फ्लाइट्स प्रभावित, हरियाणा पंजाब में कोल्ड वेव का अलर्ट, नए साल में और बढ़ेगी ठंड। भारत आ रहे जहाज पर हमले की जांच करेगी नौसेना, आज मुंबई पहुंचेगा टैंकर, अमेरिका का दावा ईरान से दागे गए थे ड्रोन। म्यांमार में अशांति का फायदा उठा रहा चीन, बंगाल की खाड़ी में प्रवेश द्वार, सेना को हथियार, विद्रोहियों की मदद। फ्रांस से आज उड़ान भर पाएगा 300 भारतीयों का विमान, 3 दिन की हिरासत के बाद जज ने दी थी जाने की इजाजत, भारत लाए जाने की पुष्टि नहीं। वॉल्ट डिज्नी का भारतीय कारोबार खरीदेगा रिलायंस, साइन की नॉन बॉन्डिंग टर्म शीट, बनेगा सबसे बड़ा मीडिया और एंटरटेनमेंट बिजनेस। स्मॉल कैंप फंड ने 1 लाख रुपए को 1.5 लाख बनाया, लार्ज कैंप ने भी मिला 31% रिटर्न, एक साल में सेंसेक्स 10,000 पॉइंट चढ़ा। पेटीएम ने 1000 से अधिक एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाला, कॉस्ट कटिंग के चलते लिया ये बड़ा फैसला, बिजनेस को रिलाइन कर रही कंपनी। बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग 11 का ऐलान, पहले टेस्ट की ही टीम को उतारने का फैसला, पाक टीम में हो सकते हैं 3 बदलाव। गौतम गंभीर और संजय मांजरेकर ने पहले टेस्ट के लिए चुनी टीम इंडिया की प्लेइंग 11, टीम में सिर्फ एक स्पिनर को शामिल किया। स्लार ने 3 दिन में ग्लोबली 400 करोड़ कमाए, 208 करोड़ हुआ डोमेस्टिक कलेक्शन, देश भर में डंकी की कमाई 100 करोड़। अरवाज खान की हुई शादी, भाई भाभी के साथ डांस करते दिखे सलमान, 21 साल के अरहान पापा की शादी में हुए शामिल, रितेश जनलिया समेत न्यूली बेड्स को बधाई देने के लिए पहुंचे कई सितारे।